मैं इस वक्त रामपुर के मिलक क्षेत्र में हूँ और ये महिला मेरे साथ तो देख रही है, बहुत ही गरीब परिवार से है, कैसे ना कैसे जो है अपना जीवन पालन पोषण करके ये जो है ऑटो चलाकर अपने जीवन का गुजर बसर करती हैं। हालांकि इनकी नाराज़गी ये है कि ये किस्तों पे इन्होंने लिया है, मगर सरकार ने एक बड़ा सरकारी जो है इनको मुआवजा मिला है ऐसा लोग कहते हैं और ये उससे चिड़ी हुई। क्या ये आपको जो आपको मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत जो मिला है उसके बाद कोई पैसा वैसा भी मिला आपको? नहीं नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला। तो क्या है आपकी मजबूरी जो आप ये चलाती हो? मजबूरी ये है, लड़की की शादी करी मैंने, उसमें कर्जा हो गई, मैं इस मजबूरी में चला रही हूँ। अच्छा, ऑटो चलाती हूँ? ऑटो चलाती हूँ मैं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको? ना, मुझे कोई मदद नहीं मिली। बदनाम और कर दिया? हाँ, बदनाम और कर दिया लेडीजों ने। क्या जो 1,80,000 रुपये मिले हैं सरकार की तरफ? हाँ, सरकार की तरफ से। अच्छा, घर में और कौन कौन है आपके? और कोई भी नहीं है, पति हैं, बच्चे थे, लड़कियों की शादी कर दी मैंने, एक लड़का है वो उसके भी शादी कर दी, वो भी कमा खा रहे हैं। तो आपने फिर मजबूरी में गरीबी हालात में ये जो है खरीदा आपने? हाँ, मजबूरी में खरीदी मैंने। कितनी किस्त जाती है इसकी? इसकी 10,250। कितना कमा लेती हैं आप इससे? मैं पूरे दिन में, एक तो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, टेम्पू वाले चलाने नहीं देते, सवारी बैठाने नहीं देते हैं। अगर मैं ज़्यादा भी कोई लड़ाई झगड़ा करूँ तो मुझे 3-4 सवारी मिलते हैं, मैं वही लेके चली जाती हूँ। अभी देखो 3-4 सवारी बैठे हुए हैं। सुनीता जी, आपको मतलब क्या लगता है अगर ये चलाते हैं आप तो क्या वाकई वो लोग परेशान करते हैं? मजदूरी करने नहीं देते? नहीं नहीं, मुझे करने नहीं देते, कहते तुम नंबर से लगाओ। मैं नंबर से लगाना नहीं चाहती हूँ सर। अच्छा, हाँ, और जो लोग कहते हैं नंबर से लगाओ। तो आप पे कोई दया नहीं करता? ना, दया कोई भी नहीं करते। महिला एक बाहर निकल के ऑटो चला रही है? नहीं नहीं, कोई दया नहीं करते, और ऊपर से मुझसे महीने की 1,000 रुपया और 50 रुपया लेते हैं, एंट्री 50 रुपया, हाँ, और महीने की पैसा लेते हैं। अच्छा, मेरे साथ कुछ यहाँ पर मरीज भी, मैं उनसे कहूँगा आप आइए, वैसे थोड़ा सा दिखाइए इनको, आगे को आइए। क्या कहना चाहेंगे? ये बेचारी जो है मेहनत मजदूरी कर रही है। सही कर रही है, मैं अपने हाथ से आदमी कमाए खाए वो बहुत अच्छा होता है। लेडीज सही है, जेंट्स सही, कोई भी, ये तो फिर भी लेडीज हैं। तो अच्छा ये बताइए, एक बार मैं और जानना चाहूँगा आपको, क्या लगता है आपको कि आपको कुछ कारोबार या मतलब को रोजगार मिला नहीं है इस तरीके का और आप जो है मजबूर हो गई? मजबूर हो गई मैं, कर्जा उतार के।